नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सिविल और मैं हूं आपके साथ चोप सिंह सक्सेना और बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। ताजनगरी आगरा के आगरा झांसी रेलवे ट्रक भांडई रेलवे स्टेशन के नजदीक गांव बिसेरा रमगढ़ा में देखिए किस प्रकार ट्रेन से उतरकर एक शरारती तत्व ने किसान के खेत में रखी लगभग 4 बीघा की सरसों में अचानक आग लगा दी। आग की लपटों को उड़ते अपरा तपरी मच गई और बड़ी संख्या में किसान एकत्रित हो गए। वहीं किसान ने दौड़कर आरोपित को भी पकड़ लिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। बताया गया है थाना मलपरा और थाना कागरौल की पुलिस मौके पर पहुंची और देखिए क्या कुछ कहना है पीड़ित किसान का। गजेंद्र सिंह है। क्या मामला है, कहाँ के रहने वाले हो आप? मेरा गांव रमगढ़ा बिसेरा जिला आगरा है। ये आग कैसे लगी थी? आग भैया एक मैं यहाँ पे काम कर रहा था अपने खेत में बगल में, तो एक इस ट्रेन में से एक बंदा कूद के आया, दो बंदे उसके पीछे और आ रहे थे, तो वो भाग के आ रहा था इधर, तो वो ये मेरी सरसों के जो मेरा ढेर रखा हुआ था यहाँ इकट्ठा करके रखा था कुटाई के लिए, उसके बगल में आके बैठ गया। तो मैंने वहाँ से देखा ये क्या कर रहा है, इतने में मुझे वहाँ पे आग जलते हुए दिखी, तो मैं वहाँ से भागा। तब तक वो सूखी सरसों थी तो एकदम जोर से तेज से आग भर गई। अब मेरे पास कोई साधन नहीं था बुझाने का, मैं उसको बुझा नहीं पाया, तो ये मेरी पूरी सरसों जो है जल के खाक हो गई। कितने बीघे की सरसों थी आपके? ये मेरी साहब 4 बीघा पक्के की सरसों थी। तो खेत आपका था या आपने भेज पे किया था? मैंने तो ये खेत भेज पे ले रखा था, 16,000 रुपए बीघे के हिसाब से 4.5 बीघे की सरसों थी, ये पूरी जल के खाक। तो जिसने आग लगाई है वो पकड़ लिया या भाग निकला? वो पकड़ लिया था, मैंने यहाँ से ऐसे जाके फिर मैंने आग को तो बुझाया नहीं, फिर मैंने कहा भाई मेरे से बुझेगी नहीं, पानी था नहीं, कुछ भी नहीं था, तो मैंने आगे जाके उसको वहाँ पकड़ लिया थोड़ा। तो अब उसके परिजन बुलाए हैं जो जिसने आग लगाई? हाँ, परिजन बुलाए हैं और दो अंधे उनके साथ के हैं, वो यहाँ पे बैठे हैं, बिठा लगते हैं। और इसी के साथ जुड़े रहें आप हमारे साथ और देखते रहें हिंदुस्तान सिविल न्यूज़।